The Helka India News. Please like and share, and don't forget to subscribe. उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन पर और सिटी एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह के आदेश अनुसार कुतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में पुलिस टीम एक अच्छा कार्य है अवैध मादक पदार्थों को लेकर कर रही है। लगातार नशा करने वाली जहरीली मादक पदार्थ पर उज्जैन पुलिस की निगाहें तस्करों पर टिकी हुई है। आचमनगंज पुलिस थाना प्रभारी अजय तिवारी अपने सीएसपी पल्लवी शुक्ला के आदेश अनुसार कार्य करते हुए 4 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम में मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह परिहार, आरक्षक राजपाल, आरक्षक शैलेश योगी, आरक्षक श्याम वरण गुर्जर की रही। हेल्का इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। मैडम बताइए, लगातार चिवंगंज पुलिस, पवाता पुलिस एक सफलता की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। आज भी 4 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर गांजा लेके जा रहे हैं। जब हमने इस सूचना को वेरीफाई किया तो पंचकोशी मार्ग पंच हनुमान जी मंदिर के पास में इन 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके पास से लगभग 4 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी मिली है जिसके ऊपर बिना नंबर की गाड़ी है, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। हमारी टीम की ये बड़ी सफलता है। क्या लगता है कहाँ से ला रहे थे गांजा? अभी हम लोग इनको रिमांड पर ले रहे हैं, कोर्ट पेश किया है रिमांड पर लेकर, फिर हम आगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताई जाएगी।